गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक विषय पे वीडियो लेके आया हूं या जानकारी लेके आया हूं। और वो विषय क्या है? नेस्टेड लूप्स, और वो भी किस में? पाइथन। बच्चों, आपको ये तो मालूम होगा कि लूप क्या होता है। आप सब जानते हैं कि लूप एक यूटिलिटी है। लूप is a way to execute set of statements repeatedly. यानी loop एक ऐसी utility है जिसके द्वारा आप स्टेटमेंट्स को, जो भी स्टेटमेंट्स हैं, 1, 2, 4, 10 मैटर वो नहीं करता, उन सब को क्या है, बार बार क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो रन करा सकता है। लूप एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा आप सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बार बार रन करा सकते हैं। और लूप की मदद से बहुत सारे कार्य जो डिफिकल्ट हैं वो क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको ये बताया था कि लूप चलाते कैसे हैं। लूप को यदि चलाना है तो तीन बातें, तीन इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको पता होने चाहिए। क्या क्या वो इंपॉर्टेंट थिंग्स है भाई? वो तीन बातें हैं। नंबर वन, लूप की इनिशियल वैल्यू, लूप कहाँ से चलेगा, ठीक है। दूसरी खास बात, लूप की कंडीशन यानी टेस्टिंग, वो कब तक चलेगा। और तीसरी खास बात क्या है, वो खास बात, इंक्रीमेंट होगी वैल्यू या डिक्रीमेंट होगी वैल्यू, अर्थात वैल्यू बढ़ेगी। तो देखिए, लूप को चलाने के लिए सबसे पहले, सर्वप्रथम आपको लूप बनाना आना चाहिए। एक बार आपने बनाना सीख लिया तो होपफुली, मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियस वीडियो आपने अगर देखा होगा तो उसमें आपको लूप बनाने के तरीके मैंने बताए थे और एक आध दो एग्जांपल्स लिया था मैंने। आज के इस वीडियो में मैं नेस्टेड लूप का जिक्र करने जा रहा हूं। बच्चों, ये नेस्टेड लूप क्या होता है, आइए जरा से इसके बारे में जिक्र करते हैं। This nested loop. तो nested loop क्या है? It is a special loop ये एक विशेष प्रकार का loop है, आप कह सकते हैं। When we create loop inside loop, अगर हम loop के अंदर ही loop का निर्माण कर दें, then it is called, तब आप उसे क्या कहोगे बच्चों? आप उसे कहोगे then it is called nested loops। अगर आप loop के अंदर बच्चों loop को बना डालो तो वही लूप क्या कहलाता है? नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब ही होता है एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, एनी लेवल तक। तो आइए दिखाते हैं कि कैसे आप नेस्टेड लूप का निर्माण करेंगे। जब सब लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। नेस्टेड और नेस्टेड लूप को अगर आपको बनाना सीखना है तो सर्वप्रथम आपको, सबसे पहले आपको लूप चलाना आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लूप चलाने का आइडिया है, और नहीं आइडिया है तो आप प्रीवियस वीडियोस को देखकर आप सीख सकते हैं। तो आइए, नेस्टेड लूप बना रहा हूं मैं, एक एग्जांपल आपके लिए। फॉर आई इन रेंज, आई का एक लूप चला रहा हूं, 1 से कहां तक चला रहा हूं, 5 तक चला रहा हूं। और फॉर जे इन
रेंज जे का लूप कहां से चलेगा बच्चों? वन से चलेगा, और कहां तक चलाऊंगा इसको मैं? आई प्लस वन तक चलाऊंगा। प्रिंट करेंगे हम किसको? प्रिंट करेंगे हम जे को। और यहां पर बच्चों प्रिंट फंक्शन को मैंने यूज कर दिया। जरा इस लूप को ध्यान देंगे अगर आप, तो मैं भी आपको तुरंत इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि बच्चों ये काम कैसे कर रहा है। अगर आप इसको ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाउ दिस लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। इसमें देखो जो आई का लूप है इसको हम कहेंगे आउटर, ठीक है ना। इसमें जो जे का लूप है इसको हम कौन सा लूप बोलेंगे? इनर लूप कहेंगे। एक आउटर है और एक तुम्हारा इनर है। और आई का मान जरा गौर से देखिएगा, जब आई का मान क्या होगा, मैं आउटपुट आपको इधर समझाने की कोशिश करता हूं। सब लोग देखिए कि जब तुम्हारा आई का मान वन होगा तो क्या होगा? जे तुम्हारा कहां से चलेगा? वन से आई प्लस वन। और आपको मालूम है बच्चों रेंज फंक्शन का क्या कार्य होता है? रेंज फंक्शन में जो आप बताते हैं कि जहां तक जाना है उससे कम तक चलता है। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि जे इन रेंज वन से आई प्लस वन, तो ये आई प्लस वन से एक कम, यानी ये कहां तक चलेगा? आई तक ही चलेगा। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो आप पाइथन से कह रहे हैं कि जे वाला लूप चलाओ वन से आई तक, ये वाली सीन बनती जा रही है। तो बताइए जब आई का मान वन होगा जे भी चलेगा कितनी बार? वन से। आई का मान वन है वन तक, तो प्रिंट क्या करेगा? आई जे का प्रिंट हम कराएंगे तो जे का मान क्या प्रिंट होगा? वन प्रिंट होगा। और वन प्रिंट होके जे टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि उसको आई तक जाना है, और आई कितना है अभी? एक है। उसके बाद बच्चों जब ये जे टर्मिनेट होगा तो फिर ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा? लाइन को चेंज कर देगा। आप जानते हैं कि आउटपुट हमेशा नई लाइन पे प्रिंट ले जाता है, यानी लाइन चेंज हो जाएगी और फिर ऊपर आएगा तो आई का मान एक से क्या हो जाएगा बच्चों? दो। जब आई का मान दो होगा जे चलेगा एक से कहां तक? दो तक। तो आउटपुट क्या प्रिंट करेगा? एक और दो को प्रिंट करेगा। इसके बाद क्या होगा बच्चों? फिर जे टर्मिनेट होगा तो लाइन चेंज होगी, नई लाइन पे आएगा आई। अब क्या हो जाएगा? दो से बन जाएगा तीन। तो जे चलेगा कहां से? जे चलेगा वन से तीन तक। आई प्लस वन माने तीन तक चलेगा। तो अगली लाइन पे क्या प्रिंट करेगा? वन टू थ्री। ये देखिए कितने आराम से आप हाफ पिरामिड जैसी चीज बन रही है। फिर लाइन चेंज हो जाएगी जब जे टर्मिनेट होगा। आई का लूप अब कहां पहुंचेगा? आई बढ़ते बढ़ते चार पे आ जाएगा। बोलिए आएगा ना। तो जब आई चार पे आएगा तो जे एक से चार, नई लाइन में क्या प्रिंट करेगा? वन टू थ्री एंड फोर। और उसके बाद फिर जब जे टर्मिनेट होगा आई का मान कहां पहुंचेगा? पांच पे पहुंचेगा। तो जे एक से पांच तक चलेगा, नई लाइन पे क्या प्रिंट करेगा? वन टू थ्री फोर एंड फाइव। आप देखिए बच्चों कुछ इस टाइप की आउटपुट आपके सामने नजर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा बच्चों कि नेस्टेड लूप, यहां नेस्टेड लूप को जानने के लिए, नेस्टेड लूप को समझने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि आपको बेसिक लूप का आइडिया होना चाहिए। अगर आपको बेसिक लूप का आइडिया है तभी आप नेस्टेड लूप जैसी सिचुएशन को मैनेज कर पाओगे, उपयोग कर पाओगे या हैंडल कर पाओगे। मैं फिर बता दूं बच्चों नेस्टेड लूप क्या होते हैं। एक ऐसा लूप जो लूप के अंदर लूप जैसी सिचुएशन को क्रिएट करता है। और मैं आपको बताऊं हम लोगों को तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि भाई एक के अंदर दूसरा चल रहा है, डबल डबल कंडीशन है, दोनों कंडीशन को मैनेज करना है। लेकिन कंप्यूटर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार सही से बता भर दीजिए आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मशीन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, एक और एग्जांपल मैं चाहता था आपके साथ शेयर करना। ये भी देख लीजिए,
नेस्टेड लूप का ही एग्जांपल। देखिएगा सब लोग, फॉर आई इन रेंज 1 से चलाएंगे 5 तक, फॉर जे इन रेंज कहां से चलाएंगे 1 से इसको भी चलाएंगे आई प्लस 1 तक, और इसमें हम प्रिंट किसको कराएंगे बच्चों, इस बार हम प्रिंट कराएंगे आई को, इस बार हम इसमें प्रिंट कराएंगे किसको आई को, और फिर देखिए प्रिंट फंक्शन को यूज कर देंगे लाइन को चेंज करने के लिए। अब देखो तुम्हारा आउटपुट, देखो बच्चों आई का मान पहली बार क्या रहेगा, 1 रहेगा, बोलिए रहेगा ना, तो जब आई का मान 1 होगा जे कहां से चलेगा 1 से आई प्लस 1 यानी 1 से 1 बार, तो क्या प्रिंट करा रहे हैं हम इस बार, देखिएगा इस बार हम आई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, तो बताइए आई का मान अभी क्या है 1 प्रिंट होगा, आई का मान जब 1 है जे 1 बार चलेगा, फिर आई बढ़ेगा आई 1 से 2 होगा, तो जब आई का मान बच्चों 2 होगा जे 1 से 2 बार चलेगा, और प्रिंट हम किसको करा रहे हैं आई को, ध्यान दीजिएगा, तो आई का मान 2 है तो ये 2 बार क्या प्रिंट करेगा 2, लाइन चेंज हो रही है आप जानते हैं प्रिंट फंक्शन लगा हुआ है, फिर जब आई का मान 2 से क्या बनेगा बच्चों 3 बनेगा, जब आई का मान 3 बनेगा तो क्या प्रिंट करेगा जे कहां से चलेगा 1 से लेके 3 तक, तो 3 बार क्या प्रिंट होगा, फिर जब आई का मान बच्चों 4 होगा जे 1 से 4 बार चलेगा और चारों बार आई का मान प्रिंट करेगा, और जब आई का मान क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5, तो आई का मान जब 5 होगा जे चलेगा 1 से कहां तक 5 तक, तो 5 बार आई का मान क्या प्रिंट करेगा, ये देखिए कुछ इस टाइप का आपके लिए आउटपुट पाइथन जनरेट कर देगा, तो बताइएगा क्या आपको ये समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत आसानी से आप नेस्टेड लूप का उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप उस लूप को बना सकते हैं जो कि एग्जांपल है किसका, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बच्चों, बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको कि आप चाहते हैं बनाना लेकिन वो नहीं बनती क्योंकि आपको आता नहीं क्या है नेस्टेड लूप, बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस है, मैं आपको कुछ सैंपल क्वेश्चंस दिखा रहा हूं जो कि नेस्टेड लूप की मदद से बनते हैं, सैंपल क्वेश्चंस ऑफ नेस्टेड लूप्स, देखिए कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो नेस्टेड लूप से बनते हैं, जैसे आपको जनरेट करना आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, सपोज कहां से 1 से 500, दूसरा मान लीजिए आपको जनरेट करना हो प्राइम नंबर्स, कहां से मान लीजिए 1 से 100 तक, मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन जनरेट पैलिंड्रोम नंबर्स, कहां से मान लीजिए 1 से 100, इस टाइप की प्रॉब्लम्स जहां पे जनरेट शब्द आता है, जहां पे बच्चों जनरेट वर्ड यूज होता है, ऐसी प्रॉब्लम्स को बनाना है यदि आप, तो ये सामान्य लूप से नहीं बनेगी बच्चों, इसके लिए आपको प्रयोग करना ही पड़ेगा किसका, नेस्टेड लूप जैसी सिचुएशन को बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप इनको तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको नेस्टेड, तो बच्चों मेरा यही कहना है कि यदि आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए, यदि आपको कंप्लीट
जस्ट पढ़ाई करनी है अबाउट पाइथन, अबाउट एवरी प्रॉब्लम्स, तो हम लोगों के लिए मैं आपको बता दूं एकमात्र तरीका यह है कि आप हमारे यूनिक ग्रुप के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करके इस तरह की सारी सिचुएशन, सारी प्रॉब्लम्स को सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आज का ये वीडियो, हमारा ये प्रयास आपको कुछ फ़ायदा अवश्य देगा। तो अगर आपके लिए कोई भी ये लाभदायक हो तो मैं यही कहूँगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप यूनिक ग्रुप के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद एंड नमस्कार।